जहां दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और इस साल भी दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई, वहीं देव दीपावली हर साल दिवाली के 15 दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। देव दीपावली को देवी देवताओं के प्रकाश पर्व के रूप में जाना गया है, लेकिन इस साल दीपावली और देव दीपावली दोनों पर ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का साया माना गया है। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2022 का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 से शुरू होकर शाम 6:32 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण 4:03 का होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण करीब शाम 4 से दिखाई देगा, जबकि चंद्र ग्रहण कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई देगा। इस दिन देव दीपावली है। देव दीपावली पर लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:32 से शाम 7:27 तक होगा। इस तरह देखा जाए तो इस साल दोनों दिवाली पर ग्रहण की छाया है। ये एक प्रकार का गजब का संयोग है। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 पहले लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण 12 पहले लगता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लोगों को सूतक काल के नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण की वजह से वातावरण में नकारात्मक शक्तियां मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से खाने में अशुद्धियां बढ़ जाती हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि ग्रहण के वक्त खाने पीने की चीजों से बचें। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ग्रहण में बच्चे, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर किसी को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें। ग्रहण के वक्त सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के पात्र, मसूर दाल, गेहूं और लाल फल का दान करना उत्तम माना गया है। सूर्य ग्रहण के दिन सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें, दूध और जल से पीपल की जड़ की सींचें और इसके बाद तेल का दीपक जलाएं और 5 तरह की मिठाइयां अर्पित करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की तमाम और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।